सलाम भारत, हेलो भारत, एंड वेलकम टू दस का दम। आज हम लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे, रेडी हो, दस का दम शो एक नए अंदाज में। इतने सारे फोन्स, वाह, कैमरा तो है ही और फोन्स भी हैं। दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ सोनम्स वेडिंग। टू थाउजेंड एट में ये शो शुरू हुआ था, एंड आई थिंक दैट वॉज माई टेलीविजन डेब्यू। और उस वक्त थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी, एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड टू कम एंड शो माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑन दस का दम। बट देन आई सेड कि चलो आ ही जाते हैं दस का दम पर, टी वी पर आ ही जाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि टी वी का जो एक पावर है। सो आई वॉज रियली रियली स्केयर्ड, एंड आई आस्क्ड माई फादर कि जाऊँ ये करूँ, क्योंकि इसके अंदर कॉमन मैन होगा, मैं हूँगा, और यू नो आई एम जस्ट रियली स्केयर्ड ऑफ बीइंग मी, ऑफ बीइंग हु आई एम। ही सेड देन हु डू यू वांट टू बी, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज हु यू आर, गो एंड शो द वर्ल्ड हु यू आर। अगर एक्सेप्ट होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर अपने आप को बदलो। इट मेड सेंस टू मी। आई रिमेंबर द फर्स्ट एपिसोड दैट आई डिड ऑफ दस का दम। Oof, you know, it's releasing. Itna tension tha ke I don't know ke parde pe to accept ho gaye hain. Ab wo likhe hue dialogues hote hain, you know, screenplay dialogues, you know, supporting cast, you know, director says one more, you have the best of the DOPs, and you in the character. So negative character khel lo, positive character khel lo, वो पता है लोगों को एक पिक्चर है। बट जब टीवी पर जब आते हो एंड यू नो कि ये इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, ये आदमी की खुद की सोच है, ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स हिमसेल्फ, सो दैट इज़ व्हेन योर पर्सनालिटी कम्स आउट। जैसे कि आपने देखा होगा दस का दम, या इवन द अर्लियर शो दैट आई हैव डन, इट इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ, दैट इज़ वॉट आई एम ऑन TV. So I like that format and I like it even more because kyunki logon ne mujhe accept kar liya the way I am, how I am, they got to know the real me. In fact, main Panvel se, I remember ki main Panvel mein shooting kar raha tha Wanted ki ek action sequence ke liye, and then my body shots were coming up, to main Panvel se farmhouse, Subhra farm se farmhouse chalte hue gaya. I have never seen this there. जब से मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई तब से वो फार्म हाउस है हमारे पास। बट वन ओल्ड लेडी केम आउट एंड हे बगा दस का दम, एंड देन आफ्टर दैट जो हमारी मोबाइल फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दोस 8 किलोमीटर्स ऑफ दैट रन, दैट होल विलेज, द स्मॉल स्मॉल विलेजेस ऑफ यू नो 20 हाउसेज, 25 हाउसेज, they were all outside and saying das ka dam, das ka dam, das ka dam. To pehle to bahut acha laga, uske baad ye ehsaas hua ki maine pyar kya bhul gaye, prem bhul gaye, sameer bhul gaye, raja bhul gaye, har cheez bhul gaye, karan tak ke bhul gaye, karan arjun, lekin unko mera naam yaad ho gaya aur das ka dam ka naam yaad ho gaya. So then I realized the power of the medium. तो जब मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ कि you must do TV, तो they look upon TV as ये क्या TV करें यार, हमको ये गलत एडवाइस दे रहा है। वैसे जब मैं खुद TV कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है TV करने में। So आप लोगों से कुछ सवाल पूछे गए थे। अच्छा, एक वो जो पूछे जो गए थे आप से सवाल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस शो की मैं आपको खूबी बता देता हूँ कि इस शो के जो जरिए है ना, हमें ये जानने को मिल जाता है
कि इंडिया की सोच कहाँ है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, क्या सोचती है हमारी इंडिया। और ये जो पूछे गए सवाल हैं, इनके जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इनके जो जवाब हैं, हमने एक सर्वे द्वारा, जो कि सोनी लिव एक सर्वे किया था हमने ऐप पर, उस पर, आई थिंक दिस मस्ट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्वेज दैट एनीवन हैज डन। लाखों की तादाद में लोगों ने उन सवालों का जवाब दिया है। और जो शो में जो आते हैं मेहमान, ऑब्वियसली खेलने के लिए, उनको अनुमान लगाना है कि भारतीयों ने क्या जवाब दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये शो वापस से आया है। एंड अराउंड दिस टाइम क्या बजे? 8:28, मतलब अभी के 2 मिनट बाद 8:30 बजे हर सोमवार मंगलवार सोनी पर, ओके लिसन ओनली ऑन सोनी, सोनी पर आएगा 10 का दम। राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना, ऐसे में आप जी सकते हैं 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़। 10 करोड़ कैसे मैडम? आप तो हमको कंगाल करके चली जाएंगी। हाउ इज इट 10 करोड़? इसमें 5 सवाल है। लाख, अगर लाख रुपए बन जाते 5 के, 20 20 20 20 20, 5 टाइम इज 1 लाख, ओके। उसके 10 गुना है 10 लाख, उसके 10 गुना है 1 करोड़, ओके। सो नाउ दैट वी आर क्लियर, पता चला आप सोचेंगे मैं नहीं लेके जा रहा था, साहब लेके जा रहे थे, ऐसा ज्यादती मत करो हमारे साथ। तो आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए इमेजिनरी, क्योंकि वो हमने हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़े। तो इस राउंड में कैसा होता है कि एक बार एक मौका मिलता है परिवार प्रतिशत का, यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसमें आप फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, और उसका टाइम लिमिट है 45 सेकेंड्स। यहाँ क्योंकि आप फैमिली नहीं लेके आए हो आप यहाँ पर, सो वी नॉट गोइंग टू गिव यू दैट फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ओके। तो आइए खेलते हैं 5 का पंच। रेडी? तो अनुपमा एंड धर्म की, उनकी दाढ़ी मूछ उनकी पत्नी को चुभती है। वाह! What percent of Indian husbands remain clean shaven just because their beards or mustache tickles their wife? अरे गुदगुदी करने में क्या बुराई है? थोड़े सा हाँ में थोड़ा सा टिकलिंग होता है, तो टिकलिंग इज गुड, बट सर आपकी मूछ, आपकी शादी हो चुकी है? Yes. आपकी कभी मूछ पर कंप्लेन आया है आपको कि ये टिकल करती है, या सोचते हैं कि एक रोबदार चेहरा दिखता है? Never. Never. Never, कभी ऐसा नहीं है कि आपकी मूछ टिकल कर रही है ना? चलो अच्छा है। सुल्तान में मेरी कैसी टिकल कर रही थी फिर? कोई टेक्निक है? चलो एक बात तो सही है कि मैन प्रेफर वेमेन विदाउट दाढ़ी मूछ। यस, है ना? या आपका कुछ अलग नजरिया देखने का कुछ? नहीं नहीं, ऐसे क्लीन शेविन। या तो आप दोनों रेडियो सेट करने के लिए?
Yes. बीस हजार रुपयों, 20,000 रुपयों के लिए. Ready? Yes. On your marks, get set, go. नहीं चलो पर वो उसको घुमाना पड़े. ये जल्दी 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 जल्दी. कितने पे? 29. नहीं, जाना कहाँ तक चाहती थी आप? 34 तक. चलो, क्योंकि आप समझी नहीं तो वी विल कीप हर्स एट 34. वी विल कीप योर 34. तो अनुपमा है 34 पर एंड धर्मपाल है 87 पर. आए देखें रोलू द गोलू इंडिया की सोच क्या बताता है. फिर भी है 34 भी होता तब भी आप जीतती. लेकिन मुझे एक बात बताओ धर्म साहब कि आपको कभी शिकायत नहीं आई. फिर भी आप तो आप झूठ बोल रहे हो या तो कोई किसी और की शिकायत आप लेके आओ यहाँ पर. हाँ, कोई और है जिसको मूछों से या दाढ़ी से तकलीफ होती है? नहीं. पक्का? तो फिर जिसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है उन्होंने लगाया 87% पर. अब इनको कोई तकलीफ नहीं है, इन्होंने लगाया 29% पर. 34 और आजकल बेस फैशन भी रहा है कि जितने भी आप क्रिकेटर्स देख लो, फुटबॉल प्लेयर्स देख लो, स्टबल, एवरीवन स्टबल चुभता है. स्टबल चुभता है, चार पांच देख का स्टबल वो चुभता है. आइए आगे बढ़े. तो आप दोनों का अच्छा, तो आप जीती हैं 20,000 रुपये और पहला पॉइंट. और सर कुछ कीजिए आप अभी. आप दोनों का अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय भाइयों ने अपनी छोटी बहन की शादी कराने के बाद ही खुद शादी की. What percent of Indian brothers have gotten married only after getting their younger sister married? देखो मैंने दो छोटी बहनों की शादी कराई, उसके बाद भी मैंने शादी नहीं की. जरूरी नहीं है सब शादी करें. अच्छा सर, आपकी बहनें हैं? Yes. हाँ, आप अपनी बहनों के लिए रुके या पहले बहन की शादी करी? पहले बहन की शादी करी, उसके बाद आपने. कुछ ऐसे भाई हैं जो कि बहनों का भी इंतज़ार नहीं करते हैं. और बड़ी बहनों का भी, छोटी तो छोड़ो सर, बड़ी बहनों का भी. व्हाट इज द उतावलापन ऑफ वांटिंग टू गेट मैरिड बिफोर बड़ी बहन? कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो दिमाग में, मन में, कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ तो होता होगा कि मुझे शादी करनी. व्हाई? ये जवानी से रिलेटेड कोई है कुछ? नहीं है तो फिर किससे रिलेटेड है? डेस्पिरेशन से? आप दोनों के पास 15 सेकेंड है. रेडी स्टेडी गेट सेट गो. सर आप घुमाओ, सर घुमाओ. इसको घुमाना पड़ता है. नो नो, बट हाउ टू सी द मीटर वेयर इट इज गोइंग? हाँ, यू डोंट सी मीटर, मीटर यू सी हियर. ओके, देयर. या
द इंडिया मीटर इज द वोट का जो हमने सवाल हाँ माई मीटर योर मीटर ये यहाँ पर हाँ दिखता नहीं है यहाँ पे मेरे ये नहीं दिखता है नहीं ये झूठ बोल रही है दिख रहा है ना हाँ हाँ लॉक होता है तब दिखता है लॉक होता है तब दिखता है उधर दिखता है इधर भी दिखता है उधर भी दिखता है नहीं अच्छा ठीक है अब इस बार मैं आता हूँ यहाँ पे ठीक है तो आपने लगाया है 25% पर और आपने लगाया 41% पर ओके आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं Why did you all underestimate what the brothers of India of Bharat? No, I wanted आपने to lock it at 25 60. पे लगाया है जी. जब आप खुद ने मेरे समझ में नहीं आ रहा यार ये सर सही में ना या हमको कुछ और बोल नहीं, रहे हो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक और यहाँ पे जो घर में चल रहा है उसके हिसाब से आप लगा रहे हो अनुमान I wanted to lock it at 60 You want to lock it at 60 ये तो आपने अच्छा एक्सक्यूज ढूंढ लिया मेरा तो क्लोज तो फिर भी आप क्लोज ही हो लेकिन मुझे धर्म जी का समझ में आया नहीं कि घर में पत्नी डजंट माइंड मूछ दाढ़ी खुद अपनी बहन की शादी करने के बाद इन्होंने शादी की उसके बाद भी 25% एनीवे आपको जैसे मैं कहूंगा 15 सेकेंड आप उसको घुमाना शुरू करें ओके ओके ठीक है तो आप जीत चुकी हैं ख्याली 40,000 रुपये हाँ और आपके 0 रुपये पक्के हमारी तरफ से हाँ वो आपने रियल जीते वो आपने रियल जीते चलिए आपका तीसरा सवाल ये है कितने प्रतिशत भारतीयों को मिठाई अपने घर वालों से छुपाकर खानी पड़ती है नाउ मिठाई घर वाले छुपकर खाना इट्स अ वेरी सैड थिंग इस सवाल में दर्द है सर इस सवाल में मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज भरा हुआ है शुगर बीमारी एंड उसके बावजूद घर वाले हु लव दैट पर्सन सो मच दे विल नॉट टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड दे विल ईट मिठाई छुपकर व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव टू सीक्रेटली ईट स्वीट्स इन फियर ऑफ देयर फैमिली नाउ आपको तो पता होगा क्योंकि आप प्रेस के तो आपको पता होगा कि डायबिटीज का रेशो कितना है इस कंट्री में देश में है ना अलार्मिंग सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ना तो आप देखते हैं कि कितना पे लगाते 3 या 4% क्योंकि आप तो नीचे ही जा रहे हैं ओके तो आप दोनों के पास 15% है 15 सेकेंड है और On your marks, get set, yes. ready, go. क्या इधर भी आ रहा है? अच्छा ये सेकंड चल रहा है, वो उधर जा रहा है। तो धर्मपाल साहब ने लगाया है 54% पर एंड अनुपमा ने लगाया है 46% पर आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहता है इस सिचुएशन के बारे में
It is very high, 63%. Sweet tooth wale Indians and chupke khana gharon mein from family, that means sugar, diabetes ka bahut bada problem hai. Aur sir, kamal ho sir. Aapse aisi sad, gambhir sawal puchne chahiye ki aapka khata isme khul gaya sir. Aap ab jaake khayali 20,000 rupaye jeet chuke hain. Ab acha ye agar sawal ka sahi jawab de di thi to phir ye khelti next round hamare saath. Ab kyunki aapne diya hai to ab aayega chautha sawal. Chautha sawal ye hai ke खतरनाक सवाल है. ऐसा लग रहा है सर, याद है ना कितने प्रतिशत भारतीयों को स्कूली दिनों में कभी अपने टीचर से प्यार हुआ है? नाम क्या था बता दो सर. नाम क्या था बता दो. ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं ऐसे. अरे look at him, 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 look at him. इतने सालों बाद अभी भी अगर इतना ब्लश कर रहे हैं तो प्यार सच्चा होगा. दुख होता है सर जब स्कूल के दिन आपको याद आते हैं. कॉलेज में. कॉलेज कॉलेज में. नाम क्या था अभी बता दो तो उनको, उनको ही पता चले कि एक ऐसा कॉलेज में एक गबरू नौजवान स्टूडेंट था who fell in love with me. सुमन. हाँ सुमन. सर सुमन तो मेरी थी सर. सुमन तो मेरी थी. सुमन मैम. क्या सर ऐसा नहीं करते सर. यू फॉल इन लव. अब उनकी कहीं शादी हो गई होगी, बच्चे अच्छे हो गए होंगे सर. वो आप खामा खाम सर घर में झगड़े लगा थोड़े समय के लिए था वो सर. थोड़े समय के लिए. थोड़े से थोड़े समय के लिए था वो बस. सो व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एट लीस्ट वंस फॉलन इन लव विद देयर टीचर ड्यूरिंग द स्कूल डेज? आप टीचर का मतलब फीमेल टीचर ही नहीं, मेल भी होता है. अच्छा यार आस्किंग मी. हां ओके. नहीं नहीं चलो आप दोनों के पास 15 सेकंड है. ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो. It's a very common thing. Yeah. When the teacher is very nice to you and stuff like that, and you know, especially, you know, she takes care of you. So, like, respect where they say you, you know, tend to fall in love. Especially boys. Yeah. Huh? Boys. The boys and girls also. Mm-hmm. Girls also. Just out of mark of respect, and that the teacher is a really nice, nice teacher, you tend to get emotionally involved with the teacher. So, आपने लगाया जिनको प्यार था उन्होंने लगाया 27%. जिनको प्यार नहीं था उन्होंने लगाया 64% पर. आए देखें कि रोलू दो गोलू क्या बोलते हैं. जिनको प्यार था जिन्होंने कम लगाया वो जीतते हैं, या जिनको प्यार नहीं था जिन्होंने ज्यादा लगाया है अनुमान वो जीतती हैं. सर प्यार करने वाले हार गए सर.
I'm so sorry. So 52% yani ke Anubhama jeet gayi 60,000 jeet chuki hain. Anubhama ye raha aap kitne pratishat bhartiya mante hain ki ke nuclear family ki tulna mein joint family mein rehna zyada acha hai. What percent of Indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family? Aap joint family mein rehti hain? Nuclear family. Aap nuclear family mein rehti hain. Joint family se nikal ke nuclear family banaya hai, jo ke wapas se joint family ho jayega, ya? Always nuclear family. Always nuclear. Yeah. Ye? With papa. With papa. Mama. Mama, you? Yeah, brothers. Abhi bhi papa mama ke saath ho? Nahi. Husband and kids. Achha, lovely. Lovely. So you would want your husband, your kids also to, once they get married, move out or you? Yeah, I want them to get married and move out. Jao, ghar se bahar niklo jaldi se jaldi. Nahi, jaldi se jaldi nahi. Better if they stay away. Yeah. Better if they stay from away. Parents. Sir, aap sir? Nuclear family, joint families? Nuclear. Nuclear family. लेकिन जॉइंट फैमिली से निकले हो न्यूक्लियर फैमिली में या नहीं? जॉइंट से न्यूक्लियर में. जॉइंट से न्यूक्लियर. कितने पीढ़ी से जॉइंट 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 चलता रहा है और आपने जॉइंट को तोड़ दिया? तोड़ा नहीं, बस आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज. तो पापा, आपके पापा आफ्टर मैरिज या वो अपने पापा के साथ रहे? पापा की डेथ पहले हो चुकी है मैरिज से पहले. अच्छा. मदर सिस्टर्स ब्रदर्स. बट वो आपके पापा, आपके पापा उनके पापा के साथ रहते थे या वो भी साथ में रहते थे? साथ में रहते थे. तो आपकी अभी मम्मी उनके साथ रहती हैं या नहीं? पापा तो नहीं है. मेरे को जर्नलिस्ट ही बन जाना चाहिए. मदर हैं. मदर हैं. आपके साथ रहती हैं या अभी सिस्टर के पास? कभी हमारे पास आती, कभी उनके पास चली जाती. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप, तो हमारा भी एक जॉइंट फैमिली का चक्कर था. अभी भी हालांकि सब सेपरेट रहते हैं लेकिन जॉइंट फैमिली का ही माहौल है बिकॉज दे एट होम एवरी डे. सो आप दोनों के पास 15 सेकंड का वक्त है. ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो. आपने लगाया 40% पर, आपने लगाया 26% पर. आए देखते हैं रोलू द गोलू क्या बोलते हैं. percent 26% 60% people. What percent of Indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family? And it's also very convenient. Can you live in a joint family to aap to kaam waam pe chale jaate ho, aapke bacche hote hain to phir maa ko wo daima bana dete hain, grandmother ko. So the kids are taken care of. जब आप घर पर आते हो वापस से, so then the food, everything is laid out. So it becomes a very, very easy way of living for them. Also, grandparents feel very happy कि बच्चा साथ में है and the grandchild से बड़ा attachment हो जाता है उनको. या तो फिर न्यूक्लियर फैमिली रहते हो फिर वो आना जाना, मिलना जुलना वो बहुत कम होता है. The child should always be very close to the grandparents so that वो एक culture जो के खो रहा है वो grandparents में अभी भी intact है. और क्योंकि they are much older तो they are a lot more sensible and they are a lot more patience with kids. That. So basically sir हुआ ये है कि आपने कितने जीते हैं?
तीन 60,000 और आपने जीते हैं 40,000. सो अब उस शो के अंदर क्या होता है, जैसे आपने जीते हैं 40,000, तो ये अगर जीती 1,00,000 रुपए तो 10 times 10 fold जाता. ये इन्होंने इनको रोका है वो 40,000 रुपए जीत कर. सो नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट राउंड, मैक्सिमम यू कैन अर्न इफ यू गेट ऑल द पांच अनुमान्स राइट, जवाब्स राइट, यू विल मेक 6 lakhs. अगर ये 40 यहां पर आ जाते तो फिर आप जीत पाते 10 lakh एंड देन 1 crore. तो सर कहां बैठेंगे आप? अच्छा रुको सर, रुको सर, ऐसे थोड़ी खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे आपको. एक वो हैम्पर जो हमारे पास है जो कि 10 साल से हमने रखा है पिछले एपिसोड, ये सर ये नहीं है सर, ये है. यस थैंक्स सलमान भाई, थैंक यू. कहाँ छोड़ के आऊँ सर मैं आपको? हाँ कहाँ बैठेंगे आप? वेरी गुड सर, आई विल कम गो देयर. कम कम कम, ये देखो संभाल के. हाँ यार बामा, मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं पहला राउंड नॉकआउट राउंड और आप मेरे साथ खेलेगी हमारा अगला राउंड जो कि हम उसे बुलाते हैं 10 गुना दम. जितने भी गुना कमिट करने हैं यहां पर मैक्सिमम 5 अलाउड है, वो आप यही कर सकते हो. ऑल गुनाज हियर, नो गुनाज आउटसाइड एनीवेयर. ओके, ये गुना जो करोगे वो फायदे में रहोगे. इसमें आपको 2 lifelines मिलती हैं. तो जो एक्चुअल एपिसोड का मैं आपको बता रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा. तो सो एक्चुअल एपिसोड में इस राउंड में देखो 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे. 4 गुना तो 480. 360. 3 गुना 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना और 10 गुना. सो 120 240 360 480 एंड 6 lakh. बट इंडिया मीटर पर जो अनुमान वाली खिड़की है, अब एक खिड़की आएगी, रेंज आएगा, जो अनुमान वाली खिड़की है वो हर सवाल पर 10% छोटी होती जाएगी. सो पहले सवाल पे है 50% की खिड़की, सेकंड पर है 40, थर्ड पे है 30, चौथे पे है 20 एंड पांचवे पे है 10% की खिड़की. ओके, अच्छा 5. ओके नाउ जैसे आपका तीसरा अनुमान सही लग जाता है तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा. सो इन दैट आपके इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकती हैं. अच्छा इस राउंड में आप यू कैन टेक मदद ट्वाइस, 2 बार आप मदद ले सकती हो. एक आप ऑडियंस की मदद ले सकते हो जिसका नाम है अंदाजा अपना अपना, लिफ्ट इट फ्रॉम अंदाज अपना अपना. एंड दूसरा है दमदार दायरा. आई डोंट नो व्हेयर दैट इज कम फ्रॉम बट इट्स स्टिल दमदार दायरा. दमदार दायरा कैसे लेंगे? दमदार दायरा मैं आपको समझाता हूँ. सो वो जो 100% में से है, हाँ, वो 30% का हिस्सा या हिस्से, एक ऊपर का या ऊपर नीचे का, वो बंद किया जाता है. सो देन योर रियल रेंज इज 70% और जो भी जहाँ पे भी आपने लिया है, जैसे आपकी 20% की खिड़की तो आप वो वहाँ पर खेलोगे. एंड जो राइट जो जवाब है, हाँ, उसी दायरे में 70% के दायरे में होता है. ओके, सो बेसिकली जस्ट वन हेल्प लाइफ लाइन हेल्प फॉर यू. ओके, सो एक इस राउंड का सिर्फ एक आइडिया देना है, तो 5 के बजाय हम सिर्फ
एक सवाल पूछेंगे, ओके, जो कि 5 के बराबर. लाइफलाइन आप इसमें दोनों लाइफलाइन ले लो, ओके. पता 50% की खिड़की भी है, पता 50% की खिड़की भी है, और एक वो अंदाज अपना अपना जो कि इन सब के पास वोटिंग पैड्स है, वोट करेंगे एंड इट विल गो अप, यू कैन सी दैट. और फिर यू कैन टेक आल्सो दमदार दायरा. रेडी? तो सवाल आपका बड़ा ही पेचीदा है. वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि शिक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. What percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? Sir, I'll use damdar daira. पहले आप rough अनुमान लगा लीजिए. Rough लगा लिया. लगा लिया. तो don't have to set it, but thinking क्या? घुमाया. घुमा लीजिए. Thinking क्या आपकी? अच्छा, प्रतिशत पोल्स पैड्स नहीं दिए आप लोगों को, सो डजंट मैटर, वहां से चिल्ला देना आप लोग. सर वो दोनों घूम रहा है. हाँ, वो क्योंकि दैट वो खिड़की है ना. ओके. हाँ, तो 50 का रेंज है. सो इफ यू ऑन नीचे का 5 देन ऊपर का 55 आता है. तो दैट्स 50% का. सो आपने एक रफ अनुमान लगाया है 5% से लेके 55%. No, 55% Indians think that lack of. हाँ, तो then 55% अगर Indians thinking है, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, okay? अगर 45 हो या 75 हो, ये तो 50% की खिड़की के अंदर आपको वो खेलना है, बीचों बीच आना है. से फॉर एग्जाम्पल आपने आपका सर 55% करेक्ट, अब आपने 55 लगाया है और 60 आंसर आता है या 70 आता है या 80 आता है या सो देन You take this up. So then, जैसे कि अगर आपने लगाया 30% से लेके 30, 40, 50, 60, 70, तो then you covering that whole range. But I want, this is my accurate answer. हाँ? Should I take it up? आपके हिसाब से accurate answer क्या है? 55 to 60 करेक्ट. हाँ, अगर 60 आए तो आप हार जाओगी, जबकि पास आपके पास 50% की खिड़की है. सो इफ यू थिंक दैट इट विल बी 55 एंड अबव और कभी 40 to 70, तो देन यू कैन कीप इट फ्रॉम 35 to 75. ऐसा So what percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? आपको क्या लगता है? Lack of education है? 50%. Lack of education का problem है हमारे देश में? सबसे major problem. Lack of education का problem तो यही है, गलत education का भी बहुत बड़ा problem है. एजुकेशन तो मिल जाता है, पर गलत पढ़ाते, लेकिन गलत एजुकेशन इज वर्स देन लैक ऑफ एजुकेशन. सो द एजुकेशन अगर मिले तो फिर सही एजुकेशन मिले. लाइक एक कंटेस्टेंट आई थी यहाँ पर जो पढ़ी लिखी नहीं है, वन मदर, बट हर एजुकेशन व्हाट शी इज लर्न्ड फ्रॉम लाइफ इज फिनोमिनल. जो उसने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया उसने, इट इज फिनोमिनल. तो बच्ची माँ से पूछती थी जो कि एजुकेटेड नहीं. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मदर टू बी एजुकेटेड सो दैट द या बट एजुकेशन आल्सो डजंट मीन दैट क्वालिफिकेशन का एजुकेशन. या इट आल्सो मींस दैट नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. या दैट्स मॉरल. सो आपने 15% से लगाया 65% पर. आए देखें, सेट नहीं किया आपने?
हाँ सेट के लिए वो नीचे वाला यू श्योर क्या आपको 15 से 65 पे जाना है 15 से 65 के बीच में वो 30 वाला फिर देखो क्योंकि अगर इस राउंड में ये है कि अगर गलत जवाब देते हो तो फिर इसमें शॉक पड़ता है तो 15 से 65 थोड़ा एक मिनट सवाल ये है सवाल ये है मैडम कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस बिलीव दैट लैक ऑफ एजुकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज आवर कंट्री इज फेसिंग हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो दैट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बिलीव दैट मोर देन 50% ऑफ कोर्स आपको लगता है कि इतने लोगों को पता है 20% लेके 70% पर बस वो नाउ डोंट लुक एट माय आईज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एन हिंट ओके डोंट आपने पहले कहां लगाया था 50 कहां लगाया था पहले तो ट्रस्ट योर हार्ट या I think it's more than 60. Yeah, so then trust your heart, जो आपने पहले लगाया था, उसके बाद see, this is the biggest problem that everyone goes through. First intuition always correct, heart always correct, और फिर then your mind takes over. Yeah. Set कर दीजिए आप. Set करना चाहेंगे आप? कर दीजिए set. तो अनुपमा ने set किया है. 14 से लेके 64% पर देखें मैडम हिंदुस्तान की एजुकेशनल सिस्टम एंड लोगों को कितने अच्छी तरह तरीके से जानती हैं परखती हैं पहचानती हैं रोलू तो बोलू व्हाट डू हैव टू से मैन अरे वो तो लिया नहीं आपने दमदार दायरा और ये दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग यू ना अरे बट यू शुड टोल्ड मी आई डिडंट हियर यू कि 30% वो जाना चाहिए अच्छा आज तो 30% पे लगाना चाह रही हैं नहीं मैंने आपसे पूछा है चलो वो 70 से लेके क्या जीत गए आप हाउ डिड यू मैनेज दैट कहां लगाया था आपने 14 टू 64 उसके बाद कहां लगाया था आपने उसके बाद फिर 70 20 से कहां पे लगाया था कुछ हां 20 से कुछ और सही जवाब क्या कहां से कहां तक था 14% हां नहीं सॉरी 18% हां लेकिन मैंने लाइफलाइन नहीं यूज किया थैंक यू आपका लाइफलाइन मैं था सो टेक्निकली आप जीते हैं इमेजिनरी 6 लाख रुपए अच्छा 6 लाख क्योंकि 5 के बजाय दैट मींस कि 1, 2, 3, 4 वी एज्यूमिंग दैट आपने हर सवाल का सही जवाब दिया है एंड देन ये आपका 5वां सवाल था ओके अब लेट्स प्ले दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके तो नाउ क्योंकि आपने तीन नहीं अब इसमें कुछ नहीं है अब इसके अंदर मैं आपको वो सुपर सवाल जो आपने तीसरा सवाल को जो तीसरा सवाल का जो आपने सही जवाब दिया था सही जवाब दिया था उसमें आपका सुपर सवाल जो खुला हाँ अब मैं आपको सुपर सवाल के बारे में आपको बताता हूं तो आपकी जो 6 लाख रुपए की जो पूंजी है वो इस राउंड में 60 लाख बन सकती है यानी के 10 गुना ओके अगर आपने खेलने का फैसला किया और आपका अनुमान सही निकला तो ये 6,60,00,000 रुपए में बदल जाएंगे और अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी यानी के 60,000 ओके कम ना वो 60,000 लेके जा रही है ना वो 60,00,000 लेके जा रही है anyways, इसमें भी डर रही है खेलने के लिए इमेजिनरी
तो इसमें ऐसा है कि आप किसी भी वक्त आप रिटायर कर सकती हैं, सवाल सुनने के बाद भी. रेडी? सवाल. लेट्स प्ले दिस, कम लेट अस प्ले दिस, कम. अच्छा, इस सवाल में खिड़की अगेन इज 10%. ओके, और कोई मदद नहीं मिलेगी. 10% का रेंज. सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय जर्नलिस्ट सही रिपोर्टिंग करते हैं? नहीं नहीं, 100%. और यहां पर कितने परसेंट जर्नलिस्ट मौजूद जर्नलिस्ट ये मानते हैं? 100%. मुझसे पूछो. सो यू गॉट द आइडिया ऑफ द गेम बेसिकली? या चलो, गुड. चलो भाई, कम मैडम. सो अनुज, वेयर इज अनुज? ओ अनुज, हाय. लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you so much. So sir, very excited now to see Das Ka Dam. अपना शो यहाँ पे कर सकते हैं अपन थोड़ा थोड़ा. रेस थ्री का ट्रेलर आई शो यू. ओके, दिस इज द न्यू वन. ओके, प्लीज. नया वाला. रेडी है आप लोग देखने में? या ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म. वेलकम बैक टू द रेस. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे. गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया. एंड नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री. तुम्हारा यकीन कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी वादे और इरादे की बड़ी पक्की हूँ मैं. हाथ देना प्लीज. घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा. हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले तो हमें बर्दाश्त नहीं. Our business is our business, none of your business. आपको हम दोनों दिखते भी हैं? नहीं, मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू आइड बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं. सिक्कू. I'm sick of this sicko dad. हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है. Oh my God! Family. जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं. I saw this on the way here today. I saw in the car, some kids from Orissa made this, yeah? How sweet. I had to share with you guys. Oof.
Amazing. The best shot was Daisy Novik. Oh, ma. Ugh.